हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। सो स्टार्ट अवर पार्ट टू वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर टू। चैप्टर नंबर टू क्या है? बेसिक मैथ। ओके, बेसिक मैथ का पार्ट टू है या लेक्चर टू है। कल हमने क्या पढ़ा था? कुछ लास्ट वन और टू मिनट्स में पढ़ा था कुछ फॉर्मूलेस रेडियन के और डिग्रीज के। उसी बेसिक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हैं आपको सॉल्व करना है। क्या है? कन्वर्ट 45 डिग्री टू रेडियन, कन्वर्ट 5 पाई बाय 6 रेडियन इनटू डिग्री। ओके, तो इसको सॉल्व करें। तो चलो हो गया सॉल्व। चलो देख करते हमें फॉर्मूला क्या पढ़े थे। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। इसी फॉर्मूला से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? देखो, तो हमको किसमें से सॉल्व करना है? रेडियन में। तो 1 रेडियन किससे इक्वल हो जाएगा? 360 डिग्री अपॉन 2 पाई होगा या नहीं होगा? हाँ, तो ऐसे भी कर सकते हो। इसको हटा, देखो, तो 360 डिग्री, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? 2 पाई रेडियन अपॉन 360। कितना डिग्री दिया है? 45 डिग्री। तो यहाँ 45 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी 45 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करा तो 45 डिग्री का वैल्यू क्या आया रेडियन में? ये कट जाएगा, कितना से कटेगा? 4 से कट जाएगा, तो पाई रेडियन, पाई बाय 4 रेडियन आपका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री को रेडियन में। ये राइट, समझ में आ गया? अगर जो वैल्यू दिया जाएगा उसके इक्वल 1 डिग्री के इक्वल मान लेना, ठीक है, पाई बाय 4 रेडियन आ गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, क्या है? पाई बाय 6 रेडियन को डिग्री में। तो वही फॉर्मूला लगाना है, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री है। अब क्या दिया है? रेडियन दिया, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है? 360 डिग्री अपॉन 2 पाई, तो पाई बाय 6 रेडियन इक्वल टू, पाई बाय 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 180 अपॉन पाई, इसको काटेंगे तो क्या होगा? 30 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए ना, नोट कर। चलो चलो पढ़ते हैं एक ग्राफ। ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है। तो देखो, नहीं जानते हो तो देखना। यहाँ क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, और लास्ट में हो जाता है कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ओके, इसमें सब पॉजिटिव रहता है। इस क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा। जानते होंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फॉर्मूला पता होगा, नोट करो, फिर हम उसके डिग्री वैल्यू पे जाते हैं साइन कॉस के। एक मिनट ट्राई करो। तो चलो, आप जानते होंगे, इतना तो आप क्लास टेन में पढ़े ही होंगे कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी होता है। और आप ये तो जानते हो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? हाँ, 1/√2 होता है। कॉस 45 का वैल्यू सेम होता है, ये सब तो आप जानते होंगे। और टेन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है। ये सब तो आप जानते होंगे, आपको डिग्री वैल्यू को बताने की जरूरत नहीं है, 0 से 90 डिग्री तक। ओके, ये तो बताने की जरूरत नहीं, सबको पता ही है। तो एक और क्वाड्रेंट का ही फॉर्मूला है थीटा के ऊपर, कि इस थीटा में 90, कॉस 90 माइनस थीटा, जैसे ये क्वेश्चन आ जाएगा साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आता है, इम्पॉर्टेंट, तो इसको नोट करो, इस वैल्यू वाला क्वाड्रेंट पर चलते हैं।
तो चलो देखते हैं, पहले एक फॉर्मूला लिख लो, इम्पोर्टेंट है। टेन 37 किसके इक्वल होता है पता है? टेन 37 डिग्री, जल्दी ट्राई करो। नहीं यार, ये होता है 3/4 के इक्वल, जो कि पी बाय बी के इक्वल होता है। इससे आप एच निकाल सकते हो, एच निकाल सकते हो ना। तो चलो आपका क्वाड्रेंट पे चलते हैं। वन मोर क्वाड्रेंट है हमारा, क्या है देखो, इस क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, इसी में 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा माइनस थीटा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हो गया कवर। अब देखो समझाते हैं कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा टेन 180 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा उसका वैल्यू पता है? पता है आपको, तो पता होगा कि साइन को उल्टा क्या होता है, 90 माइनस थीटा कॉस। तो देखो टेन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, टेन एंड कॉट पॉजिटिव रहेगा, टेन और कॉट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो एक मिनट ट्राई करके देखो आपसे बनता है कि नहीं, बन गया। और देख लो 180 प्लस थीटा में टेन क्या है, पॉजिटिव है, इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा टेन थीटा। और आपने पूछता कॉस 180 प्लस थीटा, अब क्या बोलते हैं, कॉस कहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव, मतलब ये तीनों में क्या हो, ये दोनों में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। समझ में आया? और क्वेश्चन देखो, देखो और क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, कॉस से ये साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका तो कॉस थीटा होता है वैल्यू। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले देख लो, कॉस साइन का होता है कॉस, और टेन 90 माइनस थीटा दिया रहेगा तो हो जाएगा कॉट थीटा, और दिया रहेगा कॉस कॉसेक 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा सेक थीटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले है, ये आपको याद रहना चाहिए, ओके। ये स्टैंडर्ड है, उसके बाद सब जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसका वैल्यू सेम रहेगा, सिर्फ साइन क्या रहेगा, ये दो क्वाड्रेंट पे निर्भर करेगा, ओके। तो इसे नोट करें, फिर हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर और कुछ फॉर्मूलेस के ऊपर। तो चलो देखते हैं, आपको पहले एक चीज बता दूं कि पाई का वैल्यू क्या होता है डिग्रीज में। पाई का तो वैल्यू जानते होंगे कि 22.7 होता है या 3.14, लेकिन डिग्री में इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 180 डिग्री। पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, हमेशा हमेशा याद रखना, ओके। पाई का वैल्यू 180 डिग्री। तो इसी पे क्वेश्चन आ सकता है आपका कि कन्वर्ट 1 डिग्री, सॉल्व 180 डिग्री आ जाएगा। इसको सॉल्व करके दिखा दो, यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन, साइन 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखो कैसे लिख सकते हो आप, साइन 1 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सिंगल लेटर वाले वर्ड, इसको आप साइन 1 डिग्री कैसे लिख सकते हो, साइन 1 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 180। सिंपल है, पाई 180 कट जाएगा, साइन 1 ही ना लास्ट में आएगा, तो पाई 180 इसका वैल्यू हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछा साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा पाई में, तो आप ऐसा लिख सकते हो साइन 90 डिग्री इंटू पाई बाय 180, ये दोनों सॉल्व हो जाएगा तो फिर वही आ जाएगा, तो 92 जो 180 तो पाई अपॉन 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है, पाई अपॉन 2 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन, या आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कॉस 30 डिग्री, तो कॉस फिर वही 30 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 कितना से कटेगा, 6 से कटेगा, तो 5 अपॉन
6 आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन में आपको दिक्कत आने वाला है, ऐसे लल्लू सवाल आएंगे नहीं। ये आपको मैथ में आपको फास्ट करने के लिए फॉर्मूले हैं सर, ट्रिग्नोमेट्री के। ओके, तो ये नोट करो, फिर और नेक्स्ट फॉर्मूले पर जाते हैं जो क्लास 10th में आप पढ़े होंगे और क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं एकदम फास्ट, मैं पहले लिख ले रहा हूँ, उसके बाद नोट कर लूँगा। क्लास 10 के फॉर्मूले और होते हैं मल्टी एडिशन फॉर्मूले, एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले। क्या होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूले ट्रिगो के। फिर एडिशन का क्या होता है, साइन ए प्लस माइनस बी अगर है इसका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यह माइनस रहेगा तो माइनस रह जाएगा। ओके, प्लस में प्लस माइनस में माइनस। अब देखते हैं कॉस ए प्लस माइनस बी का वैल्यू, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं टेन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला, तो हो जाएगा टेन ए प्लस माइनस टेन बी बाय वन माइनस टेन ए टेन बी। प्लस रहता तो ऊपर प्लस रहता लेकिन नीचे माइनस रहता, अपोजिट हो जाता है। ओके, ये आप हमको आप हमेशा याद रखना है, ये एडिशन फॉर्मूले तीन होते हैं ये आपको हमेशा याद रखना है, और तीन जो होते हैं वो सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले होते हैं, वो भी चेक कर लो। मल्टी प्लायर डिवीजन फॉर्मूले ऑफ ये ट्रिग्नोमेट्री, तो देखो साइन टू ए का वैल्यू क्या होता है, टू साइन ए कॉस ए आ जाएगा। कॉस टू ए का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। टेन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, टू टेन ए मार्कर टू टेन ए माइनस वन माइनस टेन स्क्वेयर ए। ये होता है फॉर्मूला। कॉस टू ए का आप एक और फॉर्म में लिख सकते हो क्या, वन माइनस टू साइन स्क्वेयर ए या फिर टू कॉस स्क्वेयर ए माइनस वन। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। ये तीन ये एडिशन फॉर्मूले, ये क्लास टेंथ में जो पढ़े होंगे डेरिवेशन फॉर्मूले, ये तीन फॉर्मूले आप तीन तरह के फॉर्मूले उतारो, नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे, साइन और कॉस के ग्राफ्स पे चलते हैं। तो चलो देखते हैं साइन और कॉस का ग्राफ कैसा होता है। आप पढ़े होंगे तो अभी एक बार और देख लो, हम बेसिस हम कुछ भी छोड़ने वाले हैं नहीं। साइन का ग्राफ कैसा होता है, ये होता है पाई बाय टू पाई, थ्री पाई बाय टू टू पाई, फाइव पाई बाय टू, फिर वैसे ही चलते जाएगा। तो देखो कैसा ग्राफ होता है इसका, इसका पाई से निकलता है टू पाई, फिर ऐसे इसका ग्राफ चलते जाएगा, मतलब जीरो से लेके पाई टू पाई पैराबोलिक ग्राफ इसका होता है। ओके, तो और ये तो हो गया साइन ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ, ये तो साइन एक्स का ग्राफ हो गया। और कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है वो भी देखो, इसी तरह होता है लेकिन पैराबोलिक ही होगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होगा इसका। फिर ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी जाएगा, इसका ऐसे ग्राफ होता है जाते जाएगा, मतलब पाई टू पाई थ्री पाई को छोड़ छोड़ के ये जाता है। ओके, समझ में आ रहा है, ऐसा जाता है ग्राफ ये।
यहाँ से नेगेटिव से शुरू हो कैसे जाता है, इसको नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट पेज। तो चलो ये ग्राफ देख ले, y इक्वल टू साइन एक्स का और y इक्वल टू कॉस एक्स का, ठीक है। ये तो y एक्सिस था, ये x एक्सिस था, ये नोट कर लेना, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस। ये ग्राफ देखें और उनको एक सॉल्व करना है, सॉल्व साइन 15 डिग्री। आपको फॉर्मूला बताया याद होगा ही, क्या साइन 15 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, सोचो। हम इसको कुछ वे में तो कुछ लिख सकते होंगे, सोचो फास्ट, इसको सोच के लिखो। हाँ देखो, ये साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री की इक्वल हो सकता है। अब तो ये फॉर्म बन गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते ही हो, बहुत तेज हो। तो देखो कैसे होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए का वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस 45 का वैल्यू रूट 1/√2, यही होता है 1/√2। पहले इसको आप फॉर्म एक बार चेक कर लो, मैं हिंट दे दिया कैसे बनाना है, एक बार सॉल्व करो, उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ। आया नहीं आया? तो देखो साइन ए कॉस बी तो हो गया, फिर माइनस क्या था, कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस ए, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, कॉस ए साइन बी, साइन बी साइन ऑफ बी, तो 1/√2। ये डॉट जानते हैं, डॉट क्या इसका सिग्निफिकेंस है, डॉट का सिग्निफिकेंस क्या है, डॉट प्रोडक्ट मतलब ये मल्टीप्लाई का ही एक फॉर्म है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 माइनस 1/√2 ये आ जाएगा, तो √3 माइनस 1 2√2। अगर इसको फॉर्म में चेंज करोगे तो इसका आ जाएगा आंसर आपका 2√6 माइनस 2√2 अपॉन 2 × 4 × 8, ये 2 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो आखिर आंसर क्या आएगा, √6 माइनस √2 अपॉन 4। नोट करो आंसर फर्स्ट। तो चलो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि सॉल्व कॉस इनवर्स माइनस 1/2 आया। ये कॉस इनवर्स इसको पढ़ते हैं, मतलब हम किस चीज़ में एंट्री कर चुके हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में, इनवर्स ट्रियो में एंट्री कर चुके हैं। ये आप क्लास 12 पे पढ़ोगे, अभी इम्पोर्टेंट उतना है नहीं, अभी उतना क्वेश्चंस में आने वाली नहीं है, आएंगे हेल्प थोड़ा थोड़ा। ये क्लास 12 पढ़ेंगे आपको दिक्कत आएगी नहीं, मैं खाली एक क्वेश्चन दिखा दे रहा आपको कैसे आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, ओके। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है बस, और आपको ज़रूरत नहीं क्लास लगाने की, आप क्लास 12 में मैथ में आराम से पढ़ोगे। तो देखो क्या होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, कॉस इनवर्स मतलब 1 − 1/2 जो कॉस का वैल्यू आया है उसको किस डिग्री पे वो वैल्यू आया, मतलब आप सॉल्व करते हो साइन 90 का वैल्यू 1, तो यहाँ पर इसको मैं एक और तरह से लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, इसको एक और तरह से कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, कि 1 जो वैल्यू है 90 डिग्री साइन 90 का सॉल्व करके ही आ रहा है, ओके। तो इसी तरह इसको सॉल्व करना है, तो कैसे आएगा, तो इसके लिए आपको कुछ होते हैं उसके लिए अभी क्वाड्रेंट फॉर्मूलेस और क्लास 12 में देखेंगे। जैसे अभी ये देख लो, इसको आप सॉल्व कर सकते 2π/3, 2π क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 120 डिग्री आएगा, तो हम समझिए कि कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, −1/2, तो ये आंसर आ जाएगा, ओके। इस पर भी ध्यान देना नहीं, मैं आपको खाली बता दी अप्रोच कि कैसे बनता है, और ये एक टॉपिक होता है तो क्लास 12 में हम आगे जाकर पढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लो अपने नोट्स के लिए, उसके बाद नेक्स्ट पे। तो अब ये डायग्राम देख रहे होंगे, ये इसका कुछ वैल्यू होगा, देख लो ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें एक पर क्या एंगल है अल्फा, बी पर एंगल बीटा, सी पर एंगल गामा, बीटा का अपोजिट कौन सा साइड है बी, गामा का अपोजिट स्मॉल सी, अल्फा का अपोजिट ए स्मॉल ए। तो इसका एक रूल बनता है जिसको बोलते हैं साइन रूल, साइन रूल जिसको बोलते हैं, क्या होता है, साइन अल्फा अपॉन ए इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी इक्वल टू साइन गामा अपॉन सी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रूफ पे भी आता है क्वेश्चंस,
वो बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और एक कॉस रूल होता है, वो क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस गामा। ओके ये नोट करो, फिर चलते हैं। तो चलो देखो ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। रेडियस दिया 6, ये एल है, मतलब आर जिसको बोलते हैं पाई सेंटीमीटर। तो समझो क्या दिया, रेडियस दिया 6 सेंटीमीटर, ये जो आर्क है लेंथ जो ट्रैवल किया डिस्प्लेसमेंट वो दिया है पाई सेंटीमीटर में, हमको क्या निकालना है थीटा। कैसे निकलेगा, एस इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर, एस कितना है पाई, आर है 6, तो पाई बाय 6 सेंटीमीटर आ गया आपका आंसर इन रेडियन। इसको रेडियन में लिख सकते हैं क्योंकि पाई आ गया है, और इस पर डिग्री में चेंज करोगे आएगा 30 डिग्री। सॉल्व करें ना, 6 3 18, पाई को वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते, ऑल द बेस्ट।